जब अच्छी तरंग आती है तो आप लाखों करोड़ों रुपए दान करने को तैयार हो जाओगे, लेकिन जैसे ही आपके मन के अंदर तामसिकता आई उसी समय आप सुई तक चुराने को तैयार हो जाओगे। कहां इतने बड़े दाता। और कभी कभी आप इतना बड़ा कुछ बोल देते हैं, मैं इतना करूंगा इतना दूंगा, उसके बाद टाइम बीत गया, तामसिकता आ गई, डिले करने लग गए, फिर डिले करने के बाद जब देखा कि सब लोगों के सामने बोला था, फिर थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू करते हैं, फिर थोड़ा देने के बाद में फिर और तामसिकता आई, नहीं आप लोग तो ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, हमारी इस शर्त के अनुसार करते तब तो हम आगे देते, अब मैं नहीं देने वाला। तो उनके तो काम रुकते नहीं, लेकिन इनके जीवन में वो तामसिकता आते ही उनके अंदर जो भगवान अपनी कृपाएं कर रहे थे वो रुक जाती है। इसलिए भगवान तो प्रकट होते हैं, लेकिन प्रकट होने के साथ भी हमारे अंदर कब तामसिकता आ जाए। आपने सुना है ना कि एक ऐसा व्यक्ति जो राजा के दरबार में उनके कोषागार में अधिकारी था, उसका काम था कि राज्य के अलग अलग भागों में जहां राजा अपनी तरफ से कुछ कोष भेजता था उसको लेकर के जाना होता था। तो एक बार छोटी सी राशि उसको दी गई कि इस एक बड़े थैले में सोने के सिक्के भर के राजा ने कहा कि ये तुम हमारे इस सेना के अधिकारी को देकर आना है। अब वो घुड़सवार अपनी कमर में अशर्फियों का वो थैला लाद कर बांध कर और घोड़े पर बैठकर चल पड़ा। चला तो रास्ते में जंगल में एक कुआं देखा उसने, मन में आया कि घोड़े को भी पानी पिलाते हैं और खुद भी पानी पी लेते हैं। तो उसने पानी निकाला कुएं से, निकाल कर घोड़े को पिलाया। उसके बाद खुद के मन में आया कि थकावट हो गई है, हाथ मुंह वगैरह धोएं, तरोताजा हो लें, कुछ पानी और पी लें, तो बर्तन में भी थोड़ा सा रख लें। तो उसने अपनी कमर की वो जो बड़ा थैला लादा हुआ था उसे खोल के रखा, और उसके बाद में अपने हाथ मुंह धोए, उसने तरोताजा हुआ। और उस स्थिति में उसको ये ध्यान नहीं रहा कि टाइम ज्यादा हो गया, तो जल्दी जल्दी जाने के लिए पानी वाला जो बर्तन था वो भी अपने कमर में लटकाना था, अपनी कमर के अंदर एक फेंटा बांधते थे तो वो भी जो है सिर पर पगड़ी बांधी हुई तो कमर में भी एक पटका बांधा, और वो भोजन वोजन लाद लिया अपना, लेकिन जो असली कीमती थैला था वो तो छूट गया वहीं। और जैसे ही ये घोड़े पर सवार होकर जाने लगा तो उधर से एक सब्जी का टोकरा सिर पर रखकर एक आदमी आ रहा था, उसको इसने देखा और पूछा कि भाई इस जंगल से मैं कितनी देर में पार हो जाऊंगा। सब्जी वाले आदमी ने कहा कि अभी तो एक घंटा आपको लग जाएगा। दौड़ने लगा, घोड़ा दौड़ाया। इधर सब्जी वाला आदमी जो था उसने पानी वानी पिया, लेकिन साथ में देखा कि थैला छूट गया घुड़सवार का, तो आवाज देता हुआ आगे तक गया, वो घुड़सवार तो भाग गया था। फिर उसने थैले को उठाया तो उसमें से कुछ खन खन की आवाज आ रही थी और राजा की मोहर लगी हुई थी। उसके मन में आया कि ये इतना बड़ा थैला आज मुझे मिल गया, मैं अगर इस राज्य को छोड़कर कहीं और किसी राज्य में चला जाऊं, मैं वहां खूब अमीरी की जिंदगी जीऊंगा, तो मुझे ये थैला लेकर जाना चाहिए। थैला उठाया, कोई आ तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, झाड़ियों के पीछे छिपके बैठ गया। वहीं बैठे बैठे सोच रहा है कि दूसरे का पैसा मारने से किस्मत नहीं बनती,
किस्मत बनती है अपने कर्म से। हो सकता उल्टा हो जाए कि ये पैसे को छीनने वाले कोई ना कोई डाकू मिल जाए, हो सकता है कि राजा पकड़वा ले और मेरे बच्चों का क्या होगा, हो सकता है कि ये पैसा लेकर मैं दूसरे राज्य में चला जाऊं और मेरे बच्चे जो है वो बड़े मकान में रहें, लेकिन आगे चल करके उनकी बुद्धि बिगड़ जाए, वो गलत रास्ते पर चलने लग जाए। तो ये जो बुरी कमाई है, अधर्म की कमाई है, ऐसी कमाई कोई मेरा भला करने वाली नहीं, मेरे बच्चों को बिगाड़ेगी। और मैं कर्म भी क्या करता हूँ, यही अगर मेरे बच्चे जुआ खेलने लग जाएं, शराब पीने लग जाएं और ऐसा ही काम धंधा करने लग जाएं आगे, तो मेरी तो पीढ़ियां बिगड़ जाएंगी, मैं ऐसा कुछ क्यों करूं। तो ऐसा मन में भावना लाते लाते उसके मन में आया कि मुझे यहां से जाना नहीं चाहिए। वो आदमी थोड़ी देर के बाद ढूंढता हुआ यहीं आएगा जरूर, और मुझे उसका सामान उसे लौटाना चाहिए। और आधे घंटे के बाद घुड़सवार लौटाया। उसने जैसे ही कुएं का चक्कर लगाया और देखा यहां तो थैला है ही नहीं, तो घोड़े को छोड़ दिया और कुएं के पास बैठकर सिर पकड़ के रोने लग गया। और फिर उसकी इच्छा हुई कि इसी कुएं में कूद कर जान दे दूं, क्योंकि मुझे राजा पकड़वा लेगा और कहेगा कि ये बेईमान है, और फिर मुझे तो सजा मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगा, मेरे बच्चों का भी भविष्य बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनको नौकरी तो दी नहीं जाएगी, वो भी एक बहुत दुख का जीवन जिएंगे, इससे तो अच्छा मर जाए। मरने के लिए जैसे कूदने लगा ही था, झुक रहा था आगे, सब्जी वाले ने पीछे से आवाज दी, भैया रुको, कौन हो तुम? बोले वही जिससे आपने रास्ता पूछा था, वही हूं मैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हो? बोले क्या ढूंढ रहे हैं आप यहां? कि मेरा एक सामान यहां रह गया था, मेरा थैला था, उस थैले में राजा का कोष था जिसको मैंने आगे पहुंचाना था, वो यहां छूट गया। सब्जी वाले व्यक्ति ने अपना वो थैला उठाया और उठा के कहा, यही था क्या आपका? बोले हाँ यही था। तुमने उठाया? बोले उठाया नहीं, मैं संभाल के यहां पेड़ों के पीछे छिप के बैठा हुआ था, क्योंकि अगर किसी को बताता तो कोई मेरे सिर में डंडा मार के पैसे लेके चला जाता। मैं छिप के यहां बैठा हूं, और इसीलिए बैठा हूं कि तुम ढूंढते हुए यहां आओगे जरूर, और तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप कर मैं फिर अपने घर जाऊं, और तुम्हारे चक्कर में तो आज मेरी सब्जी भी नहीं बिकेगी, आज तो मेरी सब्जी भी खराब हो गई। तो इसने कहा, भैया तुम अब सब्जी बेचने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की जितनी भी कमाई मैंने की है वो सब तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम जो है अमीरी की जिंदगी जियोगे, क्योंकि तुमने मेरा परिवार बचा लिया, मेरी जिंदगी बचा ली। मैं भले ही गरीबी की जिंदगी जी लूं, लेकिन तुम्हें गरीब नहीं रहने दूंगा। और उसने बहुत सारे सिक्के उसमें से निकाल के कहा कि मैं ये बाद में पूरे करा दूंगा राजा के दरबार में जाकर, लेकिन तुम्हें ये भेंट देता हूं, तुम ये रखो और अपनी अच्छी जिंदगी जियो, क्योंकि तुम्हारे जैसा धर्मात्मा मैंने नहीं देखा। इतना बड़ा धन मिला, वो भी जंगल में, और उसके बाद तुम लौटाने के लिए यहां बैठे हुए हो। तो उसने कहा, हर आदमी के अंदर जब भगवान प्रकट होता है ना, तो धर्म प्रकट होता है, धर्म से भगवान आता है, भगवान की कृपा से धर्म आदमी के जीवन में आता है। और आदमी को यह सोचना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं इसका असर मेरे परिवार पर भी पड़ेगा, अगली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। तो धन को देखकर लालच तो आता है, लेकिन हमें धर्म को देखकर लालच आना चाहिए कि मैं धर्म कमा रहा हूं। तो तुम कहते हो तुम्हें लालच नहीं आया, लालच तो आया भाई, लेकिन धर्म का लालच आया, धन का लालच तो नहीं आया।
वो आदमी बहुत प्रभावित हुआ, उसने कहा तो आप ये सिक्के ले लीजिए, इतने मैं आपको दे रहा हूं। तो इन्होंने कह दिया नहीं, मेरा धर्म मेरा कर्तव्य वो खरीदा नहीं जा सकता, और उसको पुरस्कार अगर देना चाहते हो तो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए दुआ दो, बाकी मुझे पुरस्कार तो भगवान देगा, ऊपर वाला देगा, मैं उसका काम करता हूं ना। इतना धर्म कर्म जिंदगी में किया, इतना पुण्य किया है, परीक्षा तो इसी समय ली है ना भगवान ने। भगवान ने परीक्षा ली है कि तुम्हारे सामने ये सब कुछ रखा है, तुम डावाडोल तो नहीं होते। रामायण पढ़िए आप, वहां भी तो लक्ष्मण से राम जी ने ये पूछा था, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मनः। एकांत स्थान में सुंदर खिला हुआ फूल हो, उसके आकर्षण को देखकर कौन ऐसा आदमी है जिसका मन नहीं करता उसे तोड़ने के लिए। एकांते कांचनम नव यौवनम दृष्ट्वा, एकांत में सोना पड़ा हुआ हो और एकांत में नव यौवन हो, तो उसको देखकर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में विकार नहीं जागता, राम जी ने पूछा लक्ष्मण से। तो लक्ष्मण उत्तर क्या देते हैं, माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य धार्मिक एकांते कांचनम नव यौवनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलित मनः। जिसके माता पिता, माता पतिव्रता है, पिता धार्मिक, ऐसे माता पिता के महान संस्कार लेकर जो बच्चा पला बड़ा हो, उसके सामने कितने भी तरह के आकर्षण क्यों ना हो, उसका मन विचलित नहीं होगा, वो हमेशा अडिग रहेगा अपने धर्म में, अपने संस्कारों में, क्योंकि उनके अंदर धर्म की संस्थापना हो चुकी। जिसके अंदर धर्म स्थापित हो गया, उसके अंदर भगवान प्रकट होने लगता है। तो आप समझिए कि जब सब्जी वाले ने मना कर दिया कि भाई नहीं चाहिए पैसे, तो इस घुड़सवार ने कहा कि अच्छा आज का वक्त तो तुम्हारा बीत ही गया, मैं तुम्हें आगे छोड़ दूंगा, तो मेरे साथ हमारा एक राजकीय जलपान ग्रह है, उसमें आप हमारे साथ चलिए, गवर्नमेंट का कोई रेस्टोरेंट होगा, बोले उसमें आप हमारे साथ चलिए और मेरे साथ आज का रात्रि भोज, रात्रि भोज मतलब डिनर, रात्रि भोज मेरे साथ करिए आप। अब सब्जी वाला बेचारा अपना टोकरा लेकर घुड़सवार के घोड़े के पीछे बैठ गया और दोनों के दोनों पहुंच गए उस नगर में जहां पर राजा का बना हुआ एक सुंदर जलपान गृह था। अब जब वहां गए तो सब्जी का टोकरा तो बाहर रख दिया, घोड़ा भी बाहर बांध दिया गया, ये दोनों के दोनों अंदर गए तो अंदर जो है इतनी चमक दमक, सोने चांदी के बर्तन और परोसने वाले लोग भी ऐसे महाराजा लग रहे हैं, सब्जी वाले ने पहली बार देखा इतना ऐश्वर्य, इतनी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ और तरह तरह के पदार्थ, अब खीर आए, मलाई आए, रसगुल्ले आए, सब कटोरियां सोने चांदी की और उसमें चांदी की चम्मच, चांदी की ही प्लेटें, चांदी की थालियां, इतनी इतनी तरह की चीजें, अब वो खाता जाए और उसके बाद सोचता जाए कमाल है, इतने सारे सोने चांदी के बर्तन, फिर वो सोने के बर्तनों को जो खाली रखे हुए थे उनमें चम्मच लगा के ऐसे टन टन की आवाज निकाले और आवाज निकालता हुआ बोले जैसे हमारे पीतल के बर्तन होते हैं ऐसी आवाज सोने में भी आती है, चांदी में भी ऐसी आवाज आती है, अच्छा सोने की आवाज तो पहली बार सुने। उसके बाद उसके मन में आया अगर एक चम्मच सोने वाली यहां से कम भी हो जाए इनको तो पता भी नहीं लगेगा,
और अपने घर में अपने बच्चे को खीर बनवा के खिलाऊं और वो भी सोने की चम्मच से, और उसको दिखाऊं ऐसा होता है सोने का चम्मच, यहां तो अंबार लगा हुआ बर्तनों का, इनको क्या पता लगेगा। और आप लोग जानते हैं ना कि बड़े बड़े होटलों से लोग, अमीर लोग भी अपने घर में वहां से चम्मच उम्मच चुरा के लाते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। और अब तो होटलों में चम्मच के ऊपर लिखा जाने लग गया, चुराई गई फला होटल से। तो ऐसा इसलिए लिख देते हैं कि कम से कम अगर वो घर में अपने खाए उस चम्मच से तो उसको पढ़ के देखे और शर्म तो आए। जिसका जो मौका लगता है, मुफ्त का माल है, चुरा लो। तो उस बेचारे सब्जी वाले के मन में पाप आ गया तो स्वाभाविक है। तो उसने चम्मच एक चुपचाप उठाई और अपने पॉकेट में डाल ली। जैसे ही भोजन पूरा हो गया तो पर्ची पर लिखकर उसने देना था सरकारी कर्मचारी को कि यहां हमने और मेरे साथ मेरे अतिथि ने भोजन ग्रहण किया। तो सरकार से उसका बिल पे होना था। तो जो जो लिखवाया गया वो साइन हो गए पूरे। उसके बाद उनका जो मुख्य व्यक्ति होता वो आया, वो आके बर्तनों को गिनते थे, सब होटलों में गिने जाते हैं। तो उन्होंने जैसे ही वो बर्तन पर नजर डाली तो देखा एक चम्मच कम है। तो दूर खड़े हुए दरबान ने कह दिया, साहब चम्मच इस आदमी ने पॉकेट में डाली, क्योंकि मैं वहां से देख रहा था। अब जैसे ही ये कहा चम्मच इसने पॉकेट में डाले, तो इस घुड़सवार को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बड़ा अधिकारी था। इसने उसको डांटते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए इस आदमी को, इसी बात का तो इनाम दे रहा हूं मैं, इसी की तो ये पार्टी हुई, ये दावत हुई अभी, कि इस जैसा ईमानदार दुनिया में नहीं हो सकता। इसको तू कहता ये चम्मच चुराएगा, इसने इतना बड़ा सोने का थैला असरफियों का, ऐसे कीमती सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं, उनका परित्याग कर दिया, एक छोटी चम्मच चुराएगा ये व्यक्ति। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में सूरत गुजरात कानपुर उत्तर प्रदेश में देवदूत बालाश्रम का निर्माण किया गया है, जहां बच्चों के लिए भोजन आवास शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था है। ये बच्चे खेलकूद एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने सफल प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं कि विश्व जागृति मिशन एवं पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद इन्हें सफल जीवन की ओर ले जा रहा है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है, इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना, ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली